अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशल उर्दू टीवी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको मुस्तफ़ा अली के बारे में पांच ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप पहले ना जानते हों। नंबर 5। दोस्तों, मुस्तफ़ा अली को बचपन ही से रेसलिंग का बहुत शौक था। वो दिन के वक्त रेसलिंग करते और रात को एक पुलिस एहलकार के तौर पर काम करते थे। ये उनके लिए एक मुश्किल वक्त था, लेकिन उन्हें ऐसा करना पड़ा क्योंकि उनके वालिद का इंतकाल हो चुका था। इस तरह वो एक पुलिस एहलकार भी रह चुके हैं। नंबर 4। दोस्तों, रे मिस्टीरियो का नाम तो आपने सुना ही होगा। वो WWE के मशहूर रेसलर्स में से एक हैं। दोस्तों, मुस्तफ़ा अली का ख्वाब है कि वो रे मिस्टीरियो के खिलाफ मैच लड़ें। दोस्तों, मुस्तफ़ा अली अब चूँकि स्मैकडाउन लाइव का हिस्सा बन चुके हैं, इसलिए लगता है कि उनका ये ख्वाब जल्द ही पूरा होने वाला है। नंबर 3। दोस्तों, ये बात शायद आपके लिए नहीं हो कि मुस्तफ़ा अली बॉलीवुड के बहुत बड़े फ़ैन हैं और वो अक्सर बॉलीवुड मूवीज़ देखते रहते हैं। तो मुस्तफ़ा अली ने बॉलीवुड डांस सीखने की भी ख्वाहिश जाहिर की है। दोस्तों, मुस्तफ़ा अली के फेवरेट बॉलीवुड हीरो शाहरुख खान हैं और उनकी फेवरेट मूवी कुछ कुछ होता है। नंबर 2। दोस्तों, हर रेसलर की तरह मुस्तफ़ा अली की भी ख्वाहिश थी कि वो WWE में रेसलिंग करें। दोस्तों, मुस्तफ़ा अली ने WWE में 2013 में ट्रायल दिया, मगर WWE ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया। दोस्तों, मुस्तफ़ा अली ने हिम्मत ना हारते हुए रेसलिंग को जारी रखा और आखिरकार WWE ने इन्हें अपने एक ब्रांड 205 लाइव में शामिल कर लिया। नंबर 1। दोस्तों, मुस्तफ़ा अली को अपने करियर की शुरुआत में बहुत सी मुश्किल का सामना करना पड़ा, जिसमें उनके वालिद का इंतकाल और उनके मुस्लिम होने की वजह से उनको चांस ना मिलना शामिल है। इसी परेशानी से बचने के लिए मुस्तफ़ा अली ने मास्क पहनकर रेसलिंग का आगाज़ किया। ये सब उन्होंने अपनी पहचान को छुपाने के लिए किया था। अगर किसी रेसलिंग प्रोमोटर को पता चलता कि वो मुसलमान है और पाकिस्तानी है, तो शायद वो उनको चांस ना देते। WWE में आने के बाद मुस्तफ़ा अली ने कुछ ही अरसे में अपनी सलाहियतों की वजह से अपनी अहमियत को वाज़े किया। मुस्तफ़ा अली की इन सलाहियतों को देखते हुए WWE ने इन्हें स्मैकडाउन लाइव में शामिल कर लिया है और अब मुस्तफ़ा अली कामयाबियों की तरफ गामजन हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाएँ ताकि आपको हमारी वीडियोज़ जल्द अज़ जल्द मिलती रहें।